वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेके आया हूँ सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए एंटोनिम्स के क्वेश्चन, जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट को हिंदी में बोलेंगे जीवांत। इसका एंटोनिम्स होगा ड्रैब, ड्रैब को हिंदी में बोलेंगे नीरस। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। डीप सीटेड, डीप सीटेड को हिंदी में बोलते हैं मन में दबा हुआ। मन में दबा हुआ मीन्स कोई चीज लंबे टाइम से दबी हुई है। इसका एंटोनिम्स होगा टेम्परेरी, टेम्परेरी को हिंदी में बोलेंगे क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है मन में कोई चीज थोड़े टाइम के लिए हो, तो उसे क्षणिक बोलते हैं। और तीसरा को लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हमड्रम, हमड्रम को बोलते हैं हिंदी में नीरस। इसका एंटोनिम्स होगा फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग को हिंदी में बोलेंगे आकर्षण। लेते हैं चौथा क्वेश्चन। इनचेशन, इनचेशन को हिंदी में बोलेंगे अंतर्ग्रहण। और इसका एंटोनिम्स होगा स्क्रिट, स्क्रिट मतलब उगलना। लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हॉरिफाई, हॉरिफाई को हिंदी में बोलते हैं भयभीत करना। इसका एंटोनिम्स होगा सूद, सूद को हिंदी में बोलेंगे प्रसन्न करना। लेते हैं छठा क्वेश्चन। सेक्रिड, सेक्रिड को हिंदी में बोलते हैं पवित्र। इसका एंटोनिम्स जो होगा प्रोफेन, प्रोफेन को हिंदी में बोलते हैं अपवित्र। लेते हैं सातवां क्वेश्चन। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश को हिंदी में बोलते हैं विचित्र। इसका एंटोनिम्स होगा कॉमन, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं सामान्य। लेते हैं आठवां क्वेश्चन। कोलिस, कोलिस को हिंदी में बोलेंगे एक होना। इसका एंटोनिम्स होगा सिपरेट, सिपरेट को बोलते हैं हिंदी में अलग अलग। लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। लाइटर, लाइटर को बोलते हैं हिंदी में देर करना। और इसका एंटोनिम्स होगा हैसन, हैसन मतलब जल्दी करना। और लेते हैं टेंथ क्वेश्चन। फिजिटी, फिजिटी मतलब चंचल। और इसका एंटोनिम्स होगा कंपोज, कंपोज मतलब शांत। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लैंड, ब्लैंड को हिंदी में बोलेंगे बेस्वाद। इसका एंटोनिम्स होगा लाइवली, लाइवली को हिंदी में बोलेंगे चटक। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कंजाइन, कंजाइन को हिंदी में बोलेंगे संयुक्त करना। इसका एंटोनिम्स होगा सेवर, सेवर मतलब अलग होना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट को हिंदी में बोलेंगे अशुद्ध होना। इसका एंटोनिम्स होगा प्योरीफाई, प्योरीफाई को हिंदी में बोलेंगे शुद्ध होना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। रिफॉर्म, रिफॉर्म को हिंदी में बोलेंगे सुधारना। और इसका एंटोनिम्स होगा वर्सन, वर्सन मतलब बिगड़ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। लिबर्टी, लिबर्टी को हिंदी में बोलेंगे आज़ादी। इसका एंटोनिम्स होगा इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन मीन्स कैद करना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंट्रिंसिक, प्राकृतिक से। और इसका एंटोनिम्स होगा एक्वायर्ड मतलब खुद से प्राप्त करना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओगल, ओगल मीन्स घूरना। इसका एंटोनिम्स होगा इग्नोर, नज़रअंदाज करना। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स अपमानजनक। इसका एंटोनिम्स होगा कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हिंदी में बोलेंगे सम्मान सूचक। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एविड, एविड का मतलब होता है उत्साह। इसका एंटोनिम्स होगा एपैथिक, एपैथिक मतलब निरुत्साह। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करना। और इसका एंटोनिम्स होगा डॉज, डॉज मतलब कतराना। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।